तो मेरे भाई, अगर आप पबजी इन्वेस्टेड गेम खेलते होगे तो आपके दिमाग में ये बातें जरूर आई होगी कि यार पबजी इन्वेस्टेड गेम का ओनर कौन है, यानी इसका मालिक कौन है और इसको किसने बनाया है और इसमें कितने सर्वर वगैरह है। और आज किसी वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे। मेरे भाई, अगर आप पबजी इन्वेस्टेड गेम खेलते हुए तो आपके दिमाग में ये बातें जरूर आई होगी कि यार पबजी इन्वेस्टेड जो गेम है तो इसका मालिक कौन है, यानी उसका ओनर कौन है और इसको किसने बनाया और इसमें कितने सर्वर वगैरह है और किस देश का गेम है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लो। अगर आप इन सारी चीज़ों को जानना चाहते हो तो मेरे भाई, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लो। आज की इस वीडियो में आपको पबजी इन्वेस्टेड से रिलेटेड पर्सनल बातों को इन्फॉर्मेशन में रखते हुए बताने वाला हूँ। तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि यार जो पबजी इन्वेस्टेड गेम है मेरे भाई, तो इसको दो लोगों ने मिलकर बनाया है। सामने आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा, चेंग हैन किम नाम का एक मतलब व्यक्ति है, एंड आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। और यहाँ पर ब्रिटेन मतलब ग्रीन नाम का एक मतलब मैन है मेरे भाई, जो आदमी है, और ये मतलब दक्षिण कोरिया से बिलोंग करते हैं, यानी जो दक्षिण कोरिया है मेरे भाई। और ये जो पबजी इन्वेस्टेड गेम मेरे भाई, तो इसमें 200 कंट्री में एक गेम को खेला जा सकता है, एंड धीरे धीरे लॉन्च होने वाला है मेरे भाई। तो मैंने आपको डेट वगैरह बता दिया। एंड मेरे भाई, आपको बता दूं कि यार पबजी इन्वेस्टेड गेम बहुत सारे भाई खेलते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि यार पबजी इन्वेस्टेड किस देश का गेम है और इसको किसने बनाया और इसका ओनर कौन है और इस मतलब इसमें कितने सर्वर वगैरह हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें 6 सर्वर है और इसको 200 कंट्री में खेला जा सकता है, यानी पबजी इन्वेस्टेड जो गेम लॉन्च हुआ है तो इसको 200 सर्वर में यानी 200 कंट्री में खेला जा सकता है। और इसको जो आपको दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, यानी अपने करियर की शुरुआत मतलब मेरे भाई यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, 3 नामों के गेम में मतलब किंग ऑफ द दिल काम मतलब लॉन्च किया गया था मेरे भाई। तो मैंने आपको डेट वगैरह बता दिया कि आपको इस यानी जो पबजी इन्वेस्टेड गेम है तो इसको किसने बनाया है। तो यहाँ पर चेंग हैन किम नाम का एक व्यक्ति है और यहाँ ब्रिटेन ग्रे नाम का एक भी व्यक्ति है, जो मतलब दोनों ने मतलब पार्टनरशिप करके यहाँ पर इस गेम को लॉन्च किया था एंड इसको बनाया था मेरे भाई। तो मैंने और मेरे भाई, मैं यहाँ पर आपको एक क्लिप सुना देता हूँ, उस क्लिप से माध्यम से आप मतलब समझ जाइएगा कि ये जो गेम है तो कहाँ का है और इसमें कितने सर्वर वगैरह हैं। एंड मैंने आपको कंफर्म डेट वगैरह तो बता दिया, लेकिन आप एक ऑलरेडी एक बार आओ मतलब सुन लो मेरे भाई। तो चलिए दिखा देता हूँ। क्राफ्टन स्टूडियो भारत समेत दुनिया के 200 से अधिक देशों में पबजी न्यू स्टेट लॉन्च करेगा। जैसा कि आपने सुना मेरे भाई, मतलब ये जो हमारा गेम है, जो गेम है और मेरे भाई इनका कुछ इस तरह से फेस वगैरह देखने मिल सकते हैं, जो इन दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो दक्षिण कोरिया के हैं और इसमें 200 कंट्री मतलब खेल सकते हैं। इस गेम को लॉन्च किया जाएगा पबजी इन्वेस्टेड गेम और इसमें 6 सर्वर है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा ये पबजी इन्वेस्टेड गेम है तो इसको हैंडल कहाँ से किया जाता है, यानी अपडेट वगैरह कहाँ से अपलोड किया जाता है यानी डाला जाता है, तो ये मतलब सिंगापुर से होता है मेरे भाई। तो मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया आपको। तो यार वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ब्रो।